आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। किसी परिवार में बच्चे का जन्म एक बहुत ही खूबसूरत अनुभव होता है। आमतौर पर तो हर बच्चे का जन्म 9 महीने में होता है, लेकिन कई बार इससे पहले ही बच्चों का जन्म हो जाता है, जिसे हम प्री मैच्योर बेबीज कहते हैं। ऐसे केसेस में स्वाभाविक है कि परिवार जो है वो चिंतित होता है, खासकर माँ, क्योंकि समय से पहले जन्मे बच्चे का विकास ठीक तरह से नहीं हो पाता है, इसलिए उनके ऊपर कई तरह के जो स्वास्थ्य खतरे हैं वो मंडराते रहते हैं। इनमें से कुछ तो खतरे समय के बाद अपने आप ही गायब हो जाते हैं, तो कुछ जीवन भर के लिए बच्चे के साथ जुड़ सकते हैं। तो आज के हेलो डॉक्टर में हम आपको बताएंगे कि क्यों प्रीमैच्योर डिलीवरीज होती हैं, किस तरह का खतरा बच्चों पर होता है, और अगर आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए ताकि बच्चे की डिलीवरी सही समय पर हो। हेलो डॉक्टर, नमस्कार। आज तक रेडियो पर यह है वीकली हेल्थ पॉडकास्ट हेलो डॉक्टर। मेरा नाम है खुशबू कुमार। साल 2020 में पूरी दुनिया में करीब 1.5 करोड़ से ज्यादा बच्चों ने समय से पहले जन्म लिया, यानी इन बच्चों को गर्भावस्था के 37 हफ्ते से पहले ही मां की कोख छोड़कर दुनिया में आना पड़ा। दुनिया में जन्म लेने वाले हर 10 बच्चे में से एक को समय से पहले जन्म लेना पड़ता है। ये जो रिसर्च है वो हाल ही में लैंसेट मैगजीन में पब्लिश हुई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO और यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड यानी यूनिसेफ और लंदन स्कूल ऑफ हाइजीन एंड ट्रॉपिकल मेडिसिन की तरफ से कराए गए इस रिसर्च में ये कहा गया है कि समय से पहले जन्म लेने वाले कुल बच्चों में से 20% यानी 30 लाख भारत में पैदा हुए हैं, यानी प्री मैच्योर डिलीवरीज के मामले में भारत अभी नंबर 1 पर है। इस पर और डिटेल में बातचीत करने के लिए कि क्यों होता है ये, कैसे आप ख्याल रख सकते हैं, प्री मैच्योर बेबीज को किन बातों का खतरा होता है, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर मनीष मानन जुड़ गए हैं, जो पारस हेल्थ गुरुग्राम में पीडियाट्रिशियन हैं और नियोनेटोलॉजिस्ट हैं। स्वागत है डॉक्टर मनीष आपका आज तक रेडियो पर। कैसे हैं आप? धन्यवाद धन्यवाद, मैं ठीक हूँ। तो सबसे पहले तो मैं आपसे ये समझना चाहती हूँ कि समय से पहले जो जन्मे बच्चे हैं उसका क्या मतलब होता है, एक लेमैन की भाषा में, ताकि हमारे ऑडियंस जो है वो इस बात को समझ पाए। देखिए, जो बच्चे 37 हफ्ते से पहले पैदा होते हैं उन्हें हम प्रीमैच्योर बच्चे कहते हैं। नॉर्मली टर्म बच्चा वो है जो 37 से 40 वीक्स के बीच में हो, तो 37 वीक्स से पहले जो डिलीवरी होता है उसको हम टर्म कहते हैं। और इसमें भी कई तरह के ये है कि जैसे थोड़ा सा प्री टर्म है, 32 वीक्स से नीचे है वो थोड़ा ज्यादा प्री टर्म है, 28 वीक से नीचे वो बहुत ज्यादा प्रीटर्म है, तो उसमें भी अलग अलग कैटेगरीज है। सो बट ब्रॉडली अगर हम प्रीटर्म कहें तो जो 37 वीक से नीचे हो रहा है वो प्रीमैच्योर में कैटेगरी में आता है। और समय से बच्चे जो जन्म ले रहे हैं जिसकी संख्या, मतलब आप समझिए कि हर साल इसकी संख्या बढ़ी रही है, कम नहीं हो रही है कंपैरेटिवली, तो क्या रीजंस रहते हैं डॉक्टर साहब समय से पहले जो बच्चे हैं वो जन्म लेते हैं, किन किन वजहों से लेते हैं? देखिए, एक चीज तो याद रखिये कि 10 में से एक बच्चा जो दुनिया में पैदा होता है वो प्रीमैच्योर होता है, ठीक है। दूसरी चीज, हम जब अगर इंडिया का आंकड़ा लेना तो हमारा जो परसेंटेज है वो करीब 13% है, क्योंकि इंडिया की पॉपुलेशन ज्यादा है और हमारी जनसंख्या ज्यादा है, इसलिए वो नंबर जो है हमें बहुत ज्यादा लगता है, 3 मिलियन जो लैंसेट की स्टडी में आया है, बट दैट इज 13%। वर्ल्ड वाइड एवरेज जो है वो 10% है, उससे तो ज्यादा ही है। अच्छा, आपने कारण पूछा कि प्रीमेच्योर बच्चे किस वजह से होते हैं, इसमें बहुत सारे रीजंस हैं। एक तो मैटरनल कॉजेस हैं कि माँ की एज क्या है, माँ का खान पान कैसा है, उसका लिविंग स्टेटस कैसा है, उसका न्यूट्रिशन कैसा है, मदर को प्रेगनेंसी के दौरान कोई बीमारी तो नहीं हुई। अगर माँ को कोई बीमारी हो रही हो, कोई कोरियोमोनाइटिस या कोई इस तरह की बीमारी हो रही हो, उसमें प्रीमैच्योरिटी होने का आशंका होती है। फिर कई बार जैसे IVF करते हैं या मल्टीपल डिलीवरीज या ट्विन ट्रिपलेट्स होते हैं, इनमें भी बच्चे जल्दी पैदा हो जाते हैं। कोई ऐसे बच्चों में भी बर्थ वेट भी कम होता है और वो पैदा भी जल्दी होते हैं। सो ज्यादातर ये मदर के कॉजेस, मदर का न्यूट्रिशन, मदर का लाइफस्टाइल, उसमें कोई बीमारी हो या ना हो, इस तरह के कारण हैं जो प्रीमैच्योरिटी से रिलेटेड होते हैं। और क्योंकि आजकल NICUs इतने एडवांस्ड हो गए हैं कि प्रीमैच्योर बच्चों को भी संभालने में और उनको बचाने में सक्षम हो रहे हैं धीरे धीरे समय के साथ, जो आज हम कर सकते हैं, आज से 20 साल पहले शायद हम सोच भी नहीं सकते थे कि यह हो सकता है, तो इसलिए ये संख्या जो है, इसका जो नंबर्स है वो ज्यादा दिखते हैं। और ये जो प्रीमैच्योर बेबीज हैं डॉक्टर साहब, वो मतलब कितना बड़ा खतरा है समय से पहले बच्चे का जन्म लेना जो है वो मतलब कितना बड़ा कंसर्न है? जी देखिए,
सबसे पहले तो प्री मेच्योरिटी जो है सबसे बड़ा कॉज है अंडर 5 मोर्टालिटी का, नंबर 1 कॉज है। तो मोर्टालिटी का नंबर 1 कॉज सारी बीमारियां जो है उसके बाद आती है, तो ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी चीज, प्री मेच्योर बच्चा जो है कितना प्री मेच्योर है उस पर डिपेंड करता है। अगर बहुत ज्यादा प्री मेच्योर है तो उसके बचने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। दूसरी चीज, अगर बच भी जाते हैं तो कई बच्चों में लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स होने की आशंका होती है। कई बच्चों में डेवलपमेंट डिले होता है, किसी में माइलस्टोन्स डिलेड हो जाते हैं, किसी में सेरिब्रल पैल्सी, जरूरी नहीं कि हो लेकिन ये आशंका होती है। फिर इनके ऑर्गन्स क्योंकि अनडेवलप्ड होते हैं, कईयों में कोई लंग्स की प्रॉब्लम, कोई और प्रॉब्लम, छोटी मोटी इस तरह की प्रॉब्लम होने की आशंका होती है। ये बच्चे बहुत प्रोन होते हैं इन्फेक्शन के लिए। होने के बाद हम इनको वेंटिलेटर पर भी डाल दें, ये सब कर दें, लेकिन इनमें इन्फेक्शन होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। इन्फेक्शन की वजह से फिर उसकी कॉम्प्लिकेशंस होना और उसकी वजह से फिर जान को खतरा होना, तो बहुत ही चैलेंजिंग होता है किसी भी प्रीमैच्योर बच्चे को बचाना और बिल्कुल सहज तरीके से उसको बचा के उसको डिस्चार्ज कर पाना। आजकल NICUs एडवांस हो गए, ये कर पा रहे हैं, लेकिन ये रिस्क फैक्टर भी है। इसके लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, सब में नहीं होते लेकिन कईयों में हो भी सकते हैं। जान बचाने की कोशिश की जाती है लेकिन जान सबकी बचती है नहीं बचती। मोर्टेलिटी रेट मैं समझता हूँ बहुत एडवांस्ड NICU में भी जाए तो भी वो 6-7% तो फिर भी होता ही है। तो और पेरेंट्स के ऊपर कितना प्रेशर आता है आप सोचिए। एक तो प्री मैच्योर पता नहीं बचेगा कि नहीं बचेगा, नंबर 1 कितना टाइम लगेगा NICU में, उस पर कितना एक्सपेंडिचर होगा, और बच गया तो पूरी तरह से नॉर्मल होगा कि नहीं होगा, बहुत स्ट्रेस होता है। उसके बाद अगर कोई अगर न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट हो तो उसकी फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी, न्यूरोलॉजी फॉलोअप, किसी को अगर सीजर्स हो रहे हो तो उसका ट्रीटमेंट, तो काफी लंबे तरीके का उपचार करना पड़ता है कई पेरेंट्स को, सभी को नहीं करना पड़ता। कई ऐसे भी होते हैं जो कि बिल्कुल ठीक ठाक निकल जाते हैं और आगे जाके जिंदगी में उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती, लेकिन इस चीज को कम करना बहुत ही जरूरी है क्योंकि हमारा मोर्टेलिटी का नंबर 1 कॉज है ये। उसको अगर हमें कम करना है तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो हमें किसी भी बीमारी से ज्यादा जरूरी है ये। डॉक्टर मनीष, आपने मतलब इस मतलब प्रीमैच्योर डिलीवरी से बचने की सलाह दी है, तो मैं आपसे एक एडवाइस उन महिलाओं के लिए लेना चाहती हूँ जिन्होंने मतलब जो प्रेगनेंसी है उसकी प्लानिंग शुरू कर दी है। वो किन बातों का ध्यान रख सकती हैं ताकि वो प्रीमैच्योर डिलीवरी से बच सके? जी, सबसे जरूरी तो ये है कि भाई प्रेगनेंसी जो है वो समय से पहले नहीं प्लान होनी चाहिए। जो महिलाएं हैं उनकी एज जो कम उम्र की है उनमें ज्यादा, तो हेल्थ वाइज एज वाइज ये 2-3 फैक्टर्स हैं जो कि प्लानिंग होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि 18 साल पे हो गया या जल्दी, मतलब प्रॉपर एज के हिसाब से प्लानिंग होनी चाहिए। दूसरी चीज, जो एंटीनेटल चेकअप्स होते हैं हमारे, जो गायनेकोलॉजिस्ट को जाते हैं पास जाते हैं महिलाएं, वो रेगुलरली जाना चाहिए देखने के लिए कि बच्चा ठीक ग्रो कर रहा है कि नहीं कर रहा है, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है। जितने जो टेस्ट होते हैं वो टेस्ट रेगुलरली कराए जाने चाहिए। बहुत जरूरी है कि उनका न्यूट्रिशन अच्छा होना चाहिए, खान पान अच्छा होना चाहिए। अगर माँ की सेहत अच्छी होगी तो चांसेस ज्यादा हैं कि बच्चे की सेहत भी अच्छी होगी। फिर इन्फेक्शन से बचना चाहिए क्योंकि प्रेगनेंसी के दौरान अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए तो उसमें फिर प्री मेच्योरिटी होने के चांसेस, क्योंकि वो असर करता है। फिर अगर कोई दवाई खा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना खाएं, डॉक्टर से मिलके बात करके कि ये दवा प्रेगनेंसी में सेफ है कि नहीं, डायटिशियन से मिलके क्या डाइट खानी चाहिए प्रेगनेंसी में, क्या सेफ है, कोई गलत तरह का खाना हो जो कि नुकसान पहुंचाने वाला हो उससे बचना चाहिए, इन्फेक्शन ना हो उससे बचना चाहिए, सेफ एनवायरनमेंट में रहना चाहिए, हाइजीनिक प्रैक्टिसेस फॉलो करनी चाहिए, गायनेकोलॉजिस्ट से रेगुलर फॉलोअप करना चाहिए, ताकि अगर ऐसी कोई चीज हो भी रही हो तो कई तरह की चीजें हैं जो कि गायने वाले करते हैं कि हम वो प्रीमेच्योर बच्चे को किस तरह से जितना लंबा हो सके खींचते हैं। कई बार ऐसा होता है कि भाई प्रीमेच्योर बच्चा होने का डर होता है तो वो एडमिट कर लेते हैं पेशेंट को, एक महीने का रेस्ट दे देते हैं, कई बार यूटरस के आगे के हिस्से को सील देते हैं ताकि वो निकले ना। तो प्रीमेच्योर जो 28 हफ्ते का होने वाला उसको 32 हफ्ते 36 हफ्ते जितना हो सकता है वो खींचने की कोशिश करते हैं। तो ये फॉलोअप अगर रेगुलरली हो तो काफी हद तक कई सिचुएशंस में इसको बचाने की कोशिश करी जा सकती है। तो इसमें सारे एस्पेक्ट्स, हेल्थ भी है, हाइजीन भी है, न्यूट्रिशन भी है, गायनेकोलॉजिकल फॉलोअप भी है, मेडिसिन भी है, ये सब चीजों को मिलाकर एक पैकेज की तरह से हमें समझना चाहिए कि हमें क्या क्या हमें करना चाहिए। तो ये अगर करें तो हम कुछ हद तक इसमें सक्षम हो सकते हैं, और मतलब कुछ एक चांसेस में ये हमारे कंट्रोल से बाहर भी हो सकता है। डॉक्टर मनीष के मतलब जी, जी, पहले जो बच्चा है वो जन्म ले ही ले, तो बच्चा इस दुनिया में आ गया है तो, और चूंकि वो प्री मैच्योर है तो एज ए पेरेंट और मतलब जिसके हम दिखा रहे हैं, डॉक्टर मतलब क्या आप सलाह देते हैं आप लोग की इन बच्चों की कैसे देखभाल करें ताकि
इन्हें बाकी जो इन्फेक्शन और जो जो कंसर्न्स आपने रेज किए कि ये चीजें हो सकती हैं उससे कुछ हद तक उन्हें बचाया जा सके। आपने बिल्कुल सही कहा कि ज्यादातर कंडीशंस में कि ये हमारे हाथ में होता नहीं है, अपने आप हो जाता है। मैंने कितनी भी कोशिश करो फिर भी प्रीमेच्योर बच्चा, अगर इतना आसान होता तो पूरी दुनिया में 10 में से एक प्रीमेच्योर बच्चा पैदा नहीं हो रहा होता। इवन विकसित देशों में भी, डेवलप्ड कंट्रीज में भी 10% होते हैं। तो जब भी ऐसा प्रीमेच्योर बच्चा होने वाला होता है, हम बच्चा होने से पहले माँ बाप से बात करते हैं, उन्हें काउंसिल करते हैं कि इस तरह का होने वाला है, हमारा एक्सपेक्टेड है कि भाई सपोज 28 या 29 हफ्ते का बच्चा हो रहा है, वजन शायद 900 ग्राम या 1 किलो का होगा। ये काउंसलिंग करी जाती है कि क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि कई बार बच्चों के लंग्स डेवलप नहीं होते, उनके लंग्स को डेवलप करने के लिए कोई दवाई देने की जरूरत पड़ती है हमें, कई बार उन्हें वेंटिलेटर पे रखने की जरूरत पड़ती है, कितने दिन रखने की जरूरत पड़ सकती है, उनका न्यूट्रिशन कैसा हो, कितने किस तरह का मिल्क पिलाना है, कई बार किसी को आईवी फ्लूइड देने की जरूरत पड़ती है हमें, कभी कभी हमें एंटीबायोटिक्स। तो ये सारी चीजें हम पहले काउंसिल करते हैं पेरेंट्स को कि भैया इन सब चीजों की जरूरत पड़ सकती है। उसके बाद जब बच्चा हमारे पास एनआईसीयू में आ जाता है तो उसके बाद एनआईसीयू के अंदर भी डे टू डे हम पेरेंट्स को अपडेट करते रहते हैं कि भाई आज कैसी सिचुएशन है, वजन कितना बढ़ा है, कितना नहीं बढ़ा है, कितना बढ़ना चाहिए, कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आ रही है। काफी लंबा प्रोसेस होता है, कहने में हमारे लिए बहुत आसान है, लेकिन आप पेरेंट्स के बारे में सोचिए जिनको कभी कभी महीना डेली उसको फॉलो कर रहे हैं, फिर जितनी जल्दी हो सके हम माँ का दूध लेके बच्चे के पेट में डालने की कोशिश करते हैं। जब तक बच्चा सेफ ना हो जाए कि भाई हाँ अब ये इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे इन्फेक्शन से दूर है, एक वजन हम कैटेगराइज करते हैं, इतना वेट हो गया, मान लिया 1200 ग्राम या 1.5 किलो का हो गया, इसके बाद हम बच्चे को डिस्चार्ज कर सकते हैं, तब तक हम बच्चे को एनआईसीयू में रखते हैं। उसके बाद बच्चे को हम रेगुलरली फॉलो अप करते हैं कि भैया इसकी जो ग्रोथ है, इसके जो माइलस्टोन्स हैं, इसकी जो न्यूरोलॉजिकल डेवलपमेंट है वो ठीक से हो रही है या नहीं हो रही है, उम्र के साथ जो बच्चे को करना चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा है, बहुत क्लोजली फॉलो करते हैं। फिर बच्चों का आईज, ईयर्स, हर एक ऑर्गन का चेक होता है, ब्रेन, अल्ट्रासाउंड ब्रेन, कभी एमआरआई भी कराना पड़ता है, एक एक चीज को रेगुलरली फॉलो करते हैं, हर एक ऑर्गन को ध्यान से देखा जाता है कि किसी में कोई कमी तो नहीं रह गई है, अगर कोई है तो उसको कैसे पूरा किया जा सकता है। तो बहुत क्लोजली फॉलो अप, नॉर्मल बेबी के मुताबिक के कंपैरिजन में अगर देखा जाए तो एक प्रीटर्म बेबी को बहुत ही केयरफुली फॉलो करना पड़ता है। तो उसके बाद फिर पेरेंट्स को बताया जाता है कि थोड़ा सा भी आपको कहीं भी थोड़ा डाउट हो कि कुछ हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर को दिखाइए। और एक समस्या मतलब जो मैंने भी देखी है और हम बड़ों से सुनते हैं कि जैसे प्रीमैच्योर बेबी हो गया तो जो मिल्क फीडिंग है उसमें माँ को बहुत परेशानी आती है, क्यों जो है वो समस्या होती है और फिर वो मतलब बहुत कंफ्यूज रहते हैं, घर में भी कई तरह की चीजें एडवाइस करती हैं जो कि मतलब आगे चलकर मतलब वो सही साबित तो नहीं होती हैं। पर एज अ डॉक्टर आप क्या, अगर अगर किसी महिला को इस तरह की दिक्कत आती है प्रीमेच्योर डिलीवरी के बाद तो मैं आपको एक बात बताऊं, भगवान ने ऐसा बनाया है कि जितना प्रीमेच्योर बच्चा होता है ना उसकी माँ को दूध उसके मुताबिक ही आता है। आपको बताऊं, एक प्रीमेच्योर माँ का दूध और एक टर्म बेबी के माँ के दूध में फर्क होता है। तो प्रीमेच्योर माँ का दूध उस बच्चे को जैसा चाहिए वो वैसा ही आता है, तो वो एक्सप्रेस करके हमें एनआईसीयू में देती है और वो एक्सप्रेस किया हुआ मिल्क फिर हम बच्चे को, अगर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है उसके जरिए बच्चे के पेट में डालते हैं। अगर वो एक्सप्रेस करते रहे तो इतना दूध आ जाता है कि बच्चे को कई बार सिर्फ माँ के दूध से ही न्यूट्रिशन हम दे पाते हैं, हमें दूसरे दूध देने की जरूरत नहीं पड़ती है। उसके बाद नर्सरी में रख के हम बच्चे को ब्रेस्ट पे लगा के उस ट्रेनिंग देते हैं मदर को कि कैसे फीड कराया जाए। इतना ही नहीं, छोटे बच्चों को एक चीज होती है जिसको हम कहते हैं कंगारू मदर केयर, माँ के ब्रेस्ट के बीच में बच्चे को रखते हैं थोड़ी देर के लिए ताकि बच्चे को वार्म मिले, उसकी ग्रोथ भी अच्छी तरह हो सके। उसके अलावा कुछ न्यूट्रिएंट्स होते हैं जैसे हम आयरन, विटामिन डी वगैरह देते हैं, ये सारे प्रीमेच्योर बच्चों को हम ये माँ के दूध के अलावा देते हैं। तो अगर आप ये सोच रहे हैं कि माँ का दूध पर्याप्त नहीं हो पाता तो ऐसा है नहीं, तकरीबन केसेस में मदर का दूध आ जाता है। छोटा सा बेबी कितना दूध चाहिए, अगर वो एक्सप्रेस करती रहेगी कटोरी चम्मच से हो या एनजी ट्यूब से हो या डायरेक्टली ब्रेस्ट फीडिंग पे हो, तकरीबन बच्चों में हम डिस्चार्ज से पहले ये कर पाते हैं कि बच्चा जो है माँ के ब्रेस्ट से डायरेक्टली दूध ले सके, इतना सक्षम हो जाता है वो घर जाने से पहले, और उसके बाद वो उसी तरह से उसको फॉलो करते हैं। एक सवाल आपसे मेरा ये अंडरवेट महिलाओं के लिए, क्योंकि ज्यादातर प्रॉब्लम्स जो मतलब मैंने अपने घर परिवार में भी देखी है वो अंडरवेट महिलाओं को लेकर ही, कई बच्चे प्रीमैच्योर होते हैं, तो उन महिलाओं के लिए मतलब क्या बोला, अगर वो प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं और अंडरवेट हैं तो क्या मतलब हो सकता है, कैसे ये इम्पैक्ट करता है डिलीवरी पर बच्चे की? जी, तो सबसे पहले अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखना चाहिए मदर को प्रेगनेंसी प्लान करने से पहले। ये ध्यान देखिए, अंडरवेट एक अलग चीज है, लेकिन कोई डेफिशिएंसी शरीर में ना हो, जो खाना खाना चाहिए टाइम से वो खाना चाहिए, हरी सब्जियां, फल, दाल, प्रोटीन्स, रोटी चावल वगैरह, इन चीजों का अभाव ना हो, कोई विटामिन डी डेफिशिएंसी, आयरन डेफिशिएंसी, ये सब ना हो। डेफिशिएंसीज अगर आएंगी तो फिर ये प्रॉब्लम्स बढ़ने के चांसेस हैं।
तो कम से कम फिजिशियन से गायनेकोलॉजिस्ट से पहले बात कर लें, वो एक बार एसेस कर लें, फिजिकली भी एसेस कर लें, कोई टेस्ट करा के देखना है तो वो भी एसेस कर लें भाई इसमें अभी कोई कमी तो नहीं है। तो वो पहले जो अगर कोई कमी है तो मैं समझता हूँ कि पहले उसको पूरा करें, वो अपनी पूरी बॉडी बिल्कुल अच्छी तरह से, कोई डेफिशिएंट नॉन डेफिशिएंट हो, हेल्दी हो, उसके बाद प्रेगनेंसी प्लान करें तो फिर समस्याएं जो है आगे जाके कम होती हैं। तो ये एडवाइस जरूर होनी चाहिए कि भाई अपने खाने पीने का, अपने न्यूट्रिशन का ध्यान और अपने मेंटल स्टेटस का भी ध्यान, सेहत का, मानसिक उसका भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है। ठीक है डॉक्टर मनीष, तो ये मेरे कुछ सवाल थे जो मुझे आपसे पूछने थे, बाकी कुछ और सजेशन एडवाइस जो आप देना चाहते हैं आखिर में तो आप दे सकते हैं। बिल्कुल, बस ये है कि प्री मेच्योर डिलीवरी कई बार ऐसा है कि जो हम अवॉइड नहीं कर सकते हैं, लेकिन प्रिवेंटेबल ये है कि अगर मदर की डाइट अच्छी हो, हाइजीन अच्छा हो, न्यूट्रिशन अच्छा हो, जहां भी लगे कि ये प्री मेच्योर बच्चा हो सकता है तो पेरेंट्स को ये जरूर करना चाहिए कि किसी अच्छे सेंटर के संपर्क में रहें, गायनेकोलॉजिस्ट के साथ रेगुलर फॉलोअप पे रहें, ताकि अगर डिलीवरी हो रही है प्री मेच्योर तो किसी अच्छे एडवांस्ड एनआईसीयू में हो सके, उसके बाद बच्चे के बचने के चांस और आगे की चल के कॉम्प्लिकेशंस के चांसेस भी बहुत कम होते हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच डॉक्टर मनीष। थैंक यू। तो आज के पॉडकास्ट में फिलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं कि जो भी प्रेगनेंसी प्लान कर रहा हो और कोई और आपको गलत शलत चीज़ें बताता है प्रीमैच्योर बेबीज के बारे में तो आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। तो अगले हफ्ते आपसे अब हेलो डॉक्टर के एपिसोड में होगी मुलाकात। तब तक के लिए आप सुनते रहिए आज तक रेडियो। नमस्कार। The 2023 ODI World Cup is just a few days away from now, and of course, we've got you covered on the Sledging Room. We're not just going to come to you with one episode, we're going to come to you twice every week. First episode will drop on the Wednesday of every week, and the second will air on Friday on Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts, and of course, on India Today YouTube. Why are we coming to you twice? There are so many questions to answer. Can India win their third ODI World Cup? Can India finally end their 10-year ICC events drought? Can Virat Kohli fire? Can Rohit Sharma find his 2019 temperament? Can Mohammad Siraj do it for India over and over again at the ODI World Cup? We'll answer all those questions for all the hard analysis. Tune in to the Sledging Room.